जय मांबे। हेलो फ्रेंड्स, लोदीस रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इंडियन स्ट्रीट फूड बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसका नाम है झालमुरी। फ्रेंड्स, ये देखने में जितनी ज़्यादा सिंपल होती है और खाने में ये उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है और इसमें मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसे हम हाथों की सहायता से हल्का सा थोड़ा सा मैश कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें दो मीडियम साइज़ के पके टमाटर मैंने इसमें कट करके डाले हैं। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें मैंने दो हरी मिर्च को बारीक टुकड़ों में कट करके डाली है। आप चाहें तो सूखी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने मुरमुरे को डाला है। मुरमुरे को मैंने थोड़े से तेल में एक मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लिया। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके बाद मैंने इसमें एक नींबू का रस ऐड किया है। नींबू के रस को हम अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हल्की भूख हो आप इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। दो छोटे चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस डाला है। इसे भी डाल करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। बच्चे हों या बड़े इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब चलिए इसे हम मिक्स कर देते हैं। अब उसके बाद मैंने इसमें एक चम्मच के करीब चाट मसाला डाला है। चाट मसाले का टेस्ट भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है, तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसे डाला है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके बाद मैंने इसमें आधी चम्मच तीखी लाल मिर्च भी डाली है। तो जब भी झालमुरी बनाएं तो थोड़ी सी हल्की तीखी चटपटी ही बनाएं क्योंकि इसका उसी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। स्वाद के अनुसार मैंने इसमें काला नमक भी डाला है। अब हाथों की सहायता से इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारी सामग्री अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आधी कटोरी के करीब मैंने इसमें तली हुई मूंगफली डाली है। मूंगफली को मैंने थोड़े से तेल में हल्का सा तल लिया है और उसके बाद मैंने इसमें हरे मटर डाले। हरे मटर को मैंने हल्का सा उबाल लिया है और उसके बाद इसे भी मैंने तल लिया है। इसका टेस्ट झालमुरी में बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब उसके बाद मैंने इसमें बारीक वाली जो पतली नमकीन होती है उसे भी मैंने इसमें डाला है। अब इन सबको हम डाल करके और चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान होती है झालमुरी बनाना और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है। बच्चों की तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं हमेशा घर पर बनाती ही रहती हूँ। अब उसके बाद मैंने इसमें हरी धनिया पत्ती भी ऐड की है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब चलिए इसे भी हम डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी झालमुरी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसे सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं या शाम की चाय में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी यमी होती है। तो चलिए इसे एक सर्विंग प्लेट पर अब निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जल्द मिलती हूँ मैं अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।